7 फरवरी को रुद्रप्रयाग में आए भूकंप का असर हरिद्वार में भी देखने को मिला। भूकंप के बाद हरिद्वार भेल समेत सिडकुल की कई फैक्ट्रियों में गैस के रिसाव की सूचना पर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। दरअसल ये सब काल्पनिक है। हम आपको ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि हरिद्वार में रासायनिक आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन ने मॉक ड्रिल की और अपनी दक्षता जांच की। इसके लिए एक रात पहले उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आए भूकंप को आधार बनाया गया। भूकंप से हरिद्वार के सिडकुल में कई फैक्ट्रियों में गैस रिसाव और आग लगने की शिकायत जिला प्रशासन को मिली। रोशनाबाद जिला मुख्यालय में एक मैदान में आपदा राहत केंद्र बनाया गया, जिसमें एम्बुलेंस, पुलिस, डॉक्टर और स्वयं सेवी संस्थाओं की कई टीमें मौजूद रहीं। आज राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज अभी चल रहा है। फिलहाल यहाँ पे केमिकल डिजास्टर होने का संबंध में जो है एक मॉक अभ्यास है। सिनारियो ऐसा है कि कल रात को रुद्रप्रयाग में जो है भूकंप होने के कारण उस पर जो है कई सारा यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में जो है कुछ डिसास्टर्स हुई है। कुछ जगह में जो है बॉटलिंग प्लांट में जो है आग लगी है और काफ़ी मात्रा में वहाँ लोग फंसे हैं और डिसास्टर्स हुई है। कुछ जगह में जो है गैस का रिसाव होने का जो है सूचनाएँ हैं, वहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में लोगों का जो है फंसने का सूचना है। तो अभी एंटायर फोर्स जो है यहाँ पर असेंबल हुए हैं स्टेजिंग एरिया में भी, और विभिन्न जगह में जो है टास्क फोर्स के रूप में लोग जा करके उसको लोगों को जो है निकाल रहे हैं सुरक्षित ढंग से। अभी रिलीफ कैंप बनेगा और कई सारा जो एंटायर आपदा का तंत्र है उसका जो है अभी एक एक्चुअल एक्सरसाइज करके हम देख रहे हैं। तो इसमें जो भी कमियां होगा या जो भी सुधारात्मक हम लोग कर सकते हैं इसका आंकलन हो रहा है। बता दें कि जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान मौके पर रहे। जिला अधिकारी ने फैक्ट्रियों में आई रासायनिक आपदा की सूचना के आधार पर टीमों को रवाना किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।